हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए द लॉन्गेस्ट प्रॉमिस नाम की फैंटेसी चाइनीज ड्रामा की एक्सपेंशन को लेकर आई हूँ। खास बात यह है कि इस ड्रामे का मेन लीड शाओ जान है। कहानी ज़ोया नाम की लड़की से शुरू होती है जो खुद क्रिम्सन ट्राइब से है और अभी उसकी शादी हो रही है वो ताओ ट्राइब के लॉर्ड के साथ। पर ज़ोया को कोई और ही पसंद है, पर उसे शादी करना इम्पॉसिबल था और किसी और से शादी वो करना नहीं चाहती थी, तो इसलिए वो एक टेंट में जाकर खुद की ही एक पेंटिंग बनाती है और एक हेयर क्लिप को उस पेंटिंग पे छड़ी की तरह घुमाती है। वो हेयर पिन पेंटिंग में चली जाती है, उस पेंटिंग में जान आ जाती है और वो पेंटिंग ज़ोयान की पपेट थी, यानी जैसी वो चाहेगी नकली पपेट ज़ोयान वही करेगी। पर ये नकली पपेट ज़ोयान ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकती। अब नकली ज़ोयान की शादी हो जाती है होटाओ के लॉर्ड के साथ। शादी के आखिरी रस्म के वक्त हॉल में सैंडी मैन आ जाता है। ये सैंड से बना कोई मॉन्स्टर है जो यहाँ सब कुछ तबाह करने लगता है। दूल्हा भी दूर हट जाता है और फिर वो सैंड डेमन नकली ज़ोयान पपेट को मार देता है। हमें पता चलता है कि सैंड डेमन को असली ज़ोयान मैजिक से कंट्रोल कर रही थी। नकली ज़ोयान के मरते ही असली ज़ोयान खुश हो जाती है और अब उसकी जान छूट गई थी। वो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि अब वो दुनिया के लिए मर चुकी है और अब वो कहीं भी जा सकती है। ज़ोयान अब किसी नदी के पास जाकर रुक जाती है। वहाँ एक लड़का सफेद कपड़े पहने अम्ब्रेला हाथ में उठाए फ्लाई करता हुआ ज़ोयान की तरफ बढ़ता है। ये लड़का है प्रीस्ट ऑफ ग्रैंड प्रिसेप्टर ज़ोयान माउंटेन। टाइटल थोड़ा ज्यादा लंबा है, आई नो। इन शॉर्ट इस लड़की का नाम शी इंग है और ये ज़ोयान का मैजिक सिखाने वाला टीचर है। शी इंग के हाथ में वो हेयर पिन भी थी जिसे ज़ोयान ने खुद के जैसा पपेट तैयार किया था। शी इंग पूछता है कि ज़ोयान तुमने मेरे दिए तोहफे को ऐसे कैसे छोड़ दिया। ज़ोयान शी इंग को पूछती है कि आप यहाँ कैसे, मुझे तो लगा था मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। जिस पर शीन बोलता है कि तुमने ही तो मुझे अपनी शादी पर इनवाइट करा था। अब ये सब बात यहाँ तक कैसे पहुंची। ज़ोयान और शीन कौन है जानने के लिए असली शो शुरू होता है एक कॉमेंट्री से। ये शो एक ऐसी कंट्री में सेट है जहाँ जादू परफॉर्म करने वाले इंसान रहते हैं, मरफूक्स यानी पानी में रहने वाले क्रिएचर्स और आइसलैंड के लोग भी ये सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन फ्यूचर में कुछ लोग सेल्फिश रीजंस की वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के भड़कावे में आ जाएंगे और यहाँ वॉर शुरू हो जाएगी। हमें झलक शीन के दिखाई जाती है जो बोल रहा था कि अगर गॉड को दुनिया को तबाह करते देख मजा आता है तो वो डिजर्व नहीं करता कि लोग उसकी इबादत करें। कहानी अब शुरू से शुरू होती है, वापस उसी दौर में आ जाते हैं जब ये सारे ही इंसान और क्रिएचर्स मिलजुल कर रहा करते थे। इस कंट्री को इंसान रूल करते थे, इंसानों के भी 6 अलग अलग क्लांस थे और वो सब महल में आकर एम्परर को रिपोर्ट करते थे। महल में छोटी ज़ोयान को दिखाते हैं जो दरख्त पर चढ़ के एक फ्लावर को प्लक करने की कोशिश कर रही थी, उसे वो फूल क्राउन प्रिंस को देना था। वहीं छोटा शीन भी नीचे ही कहीं स्क्वाड की प्रैक्टिस कर रहा था जो उस फ्लावर को मैजिक से तोड़ कर ज़ोयान को दे देता है और पूछता है कि तुम ये फ्लावर क्राउन प्रिंस को क्यों देना चाहती हो। जिस पर ज़ोयान बताती है कि मैं जादू सीखना चाहती हूँ, पर मेरे डैड का मानना है कि लड़कियों को जादू सीखने की जरूरत नहीं होती है। ये मैं क्राउन प्रिंस को देकर उन्हें मनाना चाहती हूँ ताकि वो मेरे डैड को ऑर्डर दे कि वो मुझे जादू सीखने दे। ज़ोयान कहती है कि क्राउन प्रिंस एक प्रॉमिसिंग यंग मैन है जो इम्प्रूव करते जा रहा है, वो मेरी फीलिंग्स को जरूर समझेगा। यहाँ पर उसी जगह से एम्प्रेस गुजर रही होती है तो ज़ोयान यहाँ से हट जाती है, पर अभी दरख्त पर ही थी। वहाँ एम्प्रेस अपनी पालकी पे बैठ के जा रही थी पर सामने से लेडी चूश हुई जो कि इम्पीरियल कंसोर्ट है यानी राजा की दूसरी बीवी है, वो इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। वो सामने से आती है और एम्प्रेस से कहती है कि वो साइड हो जाए, इसे जाने दे। वे प्रेग्नेंट थी इसीलिए एम्प्रेस साइड हो जाती है। चूश एक मरफूक है जो पहले गुलाम हुआ करती थी, पर अब एम्प्रेस से शादी करने से उसका स्टेटस हाई हो गया है। ज़ोयान जिस दरख्त पर लटकी हुई थी वो वहाँ से डिसबैलेंस हो जाती है और नीचे गिर जाती है। उसी वक्त वहाँ से चूशवे और उसके सर्वेंट्स भी गुजर रहे थे। चूशवे ज़ोयान पर इल्ज़ाम लगाती है कि ज़ोयान और उसके घर वाले चूशवे को मारना चाहते हैं। वो ज़ोयान के उस फ्लावर को भी कुचल डालती है। ज़ोयान जब अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है तो चूशवे से बर्दाश्त नहीं होता, वो ज़ोयान को थप्पड़ लगा देती है। वहाँ तभी शीन हाजिर हो जाता है और सब उसे रिस्पेक्ट भी करते हैं और क्राउन प्रिंस कहकर बुलाते हैं, जिसके बाद ज़ोयान को रियलाइज होता है कि शीन ही क्राउन प्रिंस है। वो चूशवे को ज़ोयान को परेशान करने की सजा देता है, उसे अपने रूम में जाकर बुक्स कॉपी करनी होगी। चूशवे बोलती है कि शीन ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि मैं मरफूक हूँ और शीन मुझे कमतर समझता है। पर शीन बोलता है
कि उसके लिए सभी लोग इक्वल होते हैं। चुशुए जो जुयान के साथ कर रही थी वो गलत था, उसने अपनी पावर का गलत फायदा उठाया। चुशुए गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जुयान गिल्टी फील कर रही थी कि उसकी वजह से फ्लावर खराब हो गया और अब वो ये फ्लावर शीन को नहीं दे पाएगी। शीख जुयान को उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक मैजिक से फ्लावर को फिर से ठीक कर देता है और जुयान को दे देता है। जुयान शीन के जादू से खुश होकर पूछती है कि ये किस तरह का मैजिक था, जिस पर शीन कहता है कि इसे रीस्टोरिंग मैजिक कहते हैं और तुम जब प्रैक्टिस करोगी तो एक दिन तुम भी इसे परफॉर्म कर पाओगी। सीधा महल के मेन हॉल में शिफ्ट होता है। आज राजा का बर्थडे का बैंक्वेट रखा हुआ है, जहाँ शीन बहुत अच्छा सुअर डांस परफॉर्म करता है। हॉल में डांस खत्म होती ही चुशुए आ जाती है। एम्परर उसे ज्यादा फेवर देते हैं, इसीलिए उसके लिए खड़े होकर जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम जल्दी क्यों नहीं आई, तुमने क्राउन प्रिंस का स्वान डांस मिस कर दिया। चुशुए कहती है कि क्राउन प्रिंस चाहता ही नहीं था कि मैं उसकी परफॉर्मेंस को देखूं, उसने मुझे सजा दी थी बुक्स कॉपी करने की। और वो ऐसे भी दिखा रही होती है जैसे शीन की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई हो। एम्परर गुस्सा हो जाते हैं और शीन को मैदान की रखवाली करने की सजा दे देते हैं। कुछ देर के बाद जब शीन बाहर मैदान की रखवाली कर रहा था, उसे एक नौकरानी आकर बोलती है कि आपने चुशुए को बुक्स कॉपी करने की सजा दी थी ना, इसलिए वो अपने रूम में अपना सारा गुस्सा बाकी सर्वेंट्स पे निकाल रही है और बाकी लोगों को टॉर्चर कर रही है। जब शीन चुशुए के रूम में जाता है तो वॉल में पेपर्स बिखरे पड़े हुए थे और वो खुद जमीन पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत खराब हो और वो गिर गई हो। शीन उसके पास जाकर उसकी मदद करता है, उसे खड़ा करता है और कहते हैं कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। लेकिन चुशुए ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। वो शीन को अपनी तरफ खींचकर उसकी स्वॉर्ड को अपने पेट के आर पार कर देती है। शीन ने अपने हाथों से उस स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था और रूम में उस वक्त एम्परर आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि शीन ने ही चुशुए को मार डाला है। चुशुए अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी एम्परर को बोलती है कि इसके और इसके अनबॉर्न चाइल्ड को शीन ने मार डाला है। ये बोलकर चुशुए मर जाती है और उसकी बॉडी और सोल हवा में गायब हो जाते हैं। असल में इंसान मरता है तो उसकी एक फिजिकल बॉडी होती है, मगर इन चाइनीज फैंटेसी ड्रामों में कोई क्रिएचर मर जाता है तो उसकी बॉडी और सोल उड़ जाती है, राख की तरह गायब हो जाती है। चुशुए भी एक मरफोक थी, यानी क्रिएचर थी, इसीलिए वो गायब हो जाती है। एम्परर को लग रहा था कि उन्होंने शीन को चुशुए के लिए सजा दी थी, इसलिए शीन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बदला लेने के लिए चुशुए को मार डाला। रूम में एम्प्रेस यानी शीन की माँ आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, पर एम्प्रेर उसे भी कहने लगते हैं कि वो बुरी औरत है। शीन अपनी माँ को बचाने के लिए उन्हें कहता है कि वो बीच में ना आए, इसने जो भी करा है वो उसकी जिम्मेदारी खुद ही लेगा। एम्प्रेर इस बात को ऐसे लेता है जैसे शीन एक्सेप्ट कर रहा है कि उसी ने चुशुए को मारा है। एम्प्रेस एम्प्रेर से कहती है कि वो जानबूझकर अपने बेटे से जो गुनाह उसे करा ही नहीं है वो उगलवा रहे हैं, क्योंकि वो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी प्यारी चुशुए ने खुद की जान ले ली। वो चुशुए के प्यार में पागल है, इसलिए वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चुशुए मरफूक की भेजी हुई जासूस भी तो हो सकती थी। ये सुनकर राजा और भी पागल हो जाता है और एम्प्रेस को भी एक थप्पड़ लगा देता है और उसे पागल औरत कहकर बुलाने लगता है। उसी वक्त एम्प्रेस बेहोश हो जाती है और फिर कुछ पल के बाद दिखाया जाता है कि एम्प्रेस के रूम में आग लग चुकी है। एम्परर को भी एक सर्वेंट आकर खबर देता है उस आग के बारे में और बताता है कि धुएं से एम्प्रेस की आवाज चली गई है और उसकी हालत भी खराब है, पर शीन मर चुका है क्योंकि इन्हें उसकी लाश मिली है। एम्परर शीन को एक अजाब समझने लगते हैं और वो ऑर्डर देते हैं कि शीन की मौत को अनाउंस भी मत करना, उसे याद भी नहीं किया जाएगा, उसके लिए टूम नहीं बनवाई जाएगी, यहाँ तक कि किसी ने उसका नाम लिया तो वो गद्दारी की सजा के बराबर होगा और उस इंसान की 7 नस्लों तक को मार दिया जाएगा। वो एम्प्रेस को उनके ओहदे से हटा देते हैं। अब जुयान को जब आग का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और जब वो वापसी अपने घर क्रिम्सन क्लैन में आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा उदास बैठी होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने शीन का दिया आखिरी गिफ्ट भी खो दिया है। इतने में चेवा नाम का लड़का जो उनके घराने का बटलर है वो यहाँ काम करता है, आकर जुयान को एक फ्लावर देता है और बताता है कि उसे ये फ्लावर मिल गया। ये चेवानी मरफोक है। वहीं रात के वक्त महल के दो सर्वेंट शीन की बॉडी को दफना रहे थे। वहीं हमें थोड़ा दूर शीन खड़ा दिखाई देता है जो हुड पहना हुआ था ताकि उसे कोई पहचान ना ले। अरे हीरो पहले एपिसोड में कैसे मर सकता था, उसके साथ एक आदमी था और इसने भी अपना सर हुड से कवर करा हुआ था। हमें समझाने के लिए कि शीन जिंदा कैसे बच गया, महल में आग लगने से पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी एंटर होता है एम्प्रेस के रूम में। ये वही हुड वाला आदमी है, एम्प्रेस का कोई जानने वाला है
यामीन जो ये माउंटेन का हाई प्रीस्ट है, इस माउंटेन पर जादू सिखाया जाता है। एम्प्रेस हाई प्रीस्ट को एक हेयरपिन देती है जो कि जेड बोन से बनी हुई थी। ये वही हेयरपिन थी जिसे वीडियो के स्टार्ट में जो यान ने इस्तेमाल करके अपने जैसी पपेट तैयार की थी। तब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब हमें इस हेयरपिन का असली ओरिजिन पता चल चुका है। हाई प्रीस्ट भी इस हेयरपिन को छड़ी की तरह घुमाकर उसे शीन का पपेट तैयार कर लेते हैं। एम्प्रेस असली शीन को समझाती है कि थोड़ी ही देर में वो यहाँ आग लगा देंगी, जिससे सबको लगेगा कि शीन मर चुका है, पर तब तक शीन भाग चुका होगा। वो शीन से कहती है कि आपसे हाई प्रीस्ट तुम्हारा टीचर है, तुम्हें उसे मैजिक सीखना होगा, लेकिन बदला लेने के बारे में कभी मत सोचना और ना ही अपने मन में नफरत रखना। बैक टू प्रेजेंट, हाई प्रीस्ट वहाँ आसमान में किसी तरह का जादू करता है जिसे सनलाइट जैसी रोशनी हो जाती है। जो लोग नकली क्राउन प्रिंस की बॉडी को दफना रहे थे वो डर के भाग जाते हैं। हाई प्रीस्ट तब शीन को लेकर उस नकली शीन के पपेट की बॉडी के पास जाता है, उसमें जादू करता है जिसके बाद शीन की पपेट बॉडी फिर से जेडबोन में तब्दील हो जाती है। शीन यहाँ एक वादा करता है कि वो बहुत पावरफुल मैजिक सीखकर वापस आएगा, अपनी माँ को भी यहाँ से ले जाएगा और बाकी सबसे बदला भी लेगा। हाई प्रीस्ट शीन को अपने साथ जुई माउंटेन चलने को बोलते हैं। वहाँ ये उसे जादू सिखाएंगे और इस काबिल बनाएंगे कि शीन अपना बदला ले सके। तभी जुयान जी वांग के साथ जाकर शीन के लिए नदी के पास जाकर प्रे करती है और उसी फ्लावर को पानी में बहा देती है जो शीन ने उसे दिया था। लेकिन उससे पहले उस फ्लावर में जुयान का एक आंसू गिर जाता है और वैसे ही फ्लावर में से कुछ निकल कर इसके फोरहेड में आ जाता है और माथे पे फ्लावर जैसा कुछ निशान हो जाता है जो चमकने लगता है। ये निशान फिलहाल सिर्फ हमें ही दिख रहा था और किसी को नहीं, पर अब ये फ्लावर जैसे पानी में डाला था वो भी उठकर आसमान में चला जाता है और स्टार की तरह चमकने लगता है। ये सीन शीन और हाई प्रीस्ट को भी दिखाई दे रहा था। शीन पूछता है कि ये क्या है, जिस पर हाई प्रीस्ट बताता है कि किसी ने शीन के लिए मेमोरियल करा है, प्रे करी है। शीन कहता है कि लोग उसे इतना बुरा समझ रहे थे, लेकिन आखिर ये कौन है जिसने इसे अभी तक याद रखा हुआ है और इसके लिए प्रे भी कर रहा है। हाई प्रीस्ट कहता है कि अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो इंसान कौन है, क्योंकि वो जो कोई भी है वो तुमसे कभी नहीं मिलना चाहिए, कभी मिले तो उसे मार देना वरना वो इंसान तुम्हें मार देगा, यही डेस्टिनी है। 5 साल बीत जाते हैं और अब सुयान काफी सारा जादू सीख चुकी थी। वो बड़ी भी हो चुकी थी और बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही थी जैसे वीडियो के फर्स्ट सीन में दिख रही थी। वो एक माउंटेन के पास जाती है जहाँ मैजिक सिखाया जाता है। वो वहाँ के लोगों को उनके टीचर से मिलवाने का बोलती है और जिद करती रहती है। पता चलता है कि वो अक्सर यहाँ आकर मास्टर से मिलने का बोलती है, पर वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाई है। पर इस बार वो कामयाब हो जाती है क्योंकि मास्टर जी खुद ही उसके सामने आकर जुयान से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर जुयान बोलती है कि उसे रिजरक्शन मैजिक सीखना है जिससे वो एक इंसान को जिंदा करना चाहती है क्योंकि उसने भी इसकी जान बचाई थी। मास्टर बताते हैं कि ऐसा मैजिक बैलेंस को तोड़ देता है जिसे एक प्राइस पे करनी पड़ेगी। जुयान कहती कि वो किसी भी तरह की कोई भी प्राइस पे करने को तैयार है। अनफॉर्चुनेटली इस मास्टर को तो ये जादू आता नहीं था। वो जुयान को जुई माउंटेन का बताते हैं कि वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ रिजरेक्शन मैजिक सीखने का तरीका मिल जाएगा। वहीं हमें जुई माउंटेन को दिखाते हैं जहाँ शीन भी अब बड़ा हो चुका है और कोई वाटर मैजिक परफॉर्म कर रहा था। एपिसोड उसके प्यारे से चेहरे को दिखाते दिखाते ही खत्म हो जाता है। दैट्स इट गाइस, पहला एपिसोड था इसीलिए इतना डिटेल में समझाया है ताकि आप लोगों को स्टोरी समझ आ जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। गुड बाय।